जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचजी स्टडी पे। दोस्तों आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे आर्मी एओसो रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन को लेकर कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में सब कुछ आप लोग को डिटेल में बताएंगे कि इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म कब से फिलअप होने वाला है, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम आप लोग का कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। उसके साथ साथ हम लोग पूरा चीज़ इस भर्ती के बारे में बताएंगे, कितने पोस्ट पर भर्ती आ रही है, दो पोस्ट के लिए भर्ती आएगी, ठीक है, और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छे खासा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को हम डिटेल में जानकारी देते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको मैं बता दिया मेरे भाई कि दो पोस्ट पे इस पर भर्ती आने वाली। सबसे पहला पोस्ट आप लोग का होगा मेरे भाई यहाँ पर ट्रेडमैन मेट का, और दूसरा पोस्ट होगा मेरे भाई फायरमैन। ट्रेडमैन में इस बार जो भर्ती आएगी मेरे भाई 1250 पदों पे भर्ती आने वाली है, और इसमें 10वीं पास और आप लोग के पास ITI होना चाहिए, ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। उसी के साथ फायरमैन की बात करें तो इसमें आप लोग को 544 पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसमें कि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास हो तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 10वीं पास हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। लेकिन इसके अलावा मेरे भाई इसमें आपको बता दूँ मेरे भाई फिजिकल भी है, क्या है फिजिकल, तो अगर आप लोग फिजिकल को क्लियर करोगे तभी जाके कुछ होगा। तो ट्रेडमैन मेट की बात करते हैं और फायरमैन की बात करते हैं, तो इसमें 1.6 किलोमीटर की रनिंग आप लोगों को 6 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, और फायरमैन भी सेम वही चीज आप लोगों को 6 मिनट में कंप्लीट करना, रनिंग दोनों में सेम है। और इसमें क्या है ट्रेडमैन मेट में कि 50 kg वजन आप लोग को उठा के और 200 मीटर आप लोग को चलना होगा, कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। वही फायरमैन के अंदर आप लोग को क्या करना है मेरे भाई, 183 मीटर में आप लोग को चलना है, ठीक है, और 96 सेकंड में, और 63.5 kg वजन आप लोग को उठाना पड़ेगा। उसके अलावा 2.7 मीटर का आप लोग का एक डीच लैंडिंग करके होता है, जिसको कि आप लोगों का करना होता है लॉन्ग जंप के साइड होता है, वो खद्दा उद्दा उस टाइप का होता है, उसको पार करना पड़ता है, ये इजी है। उसके बाद क्लाइंबिंग करना पड़ता है 3 मीटर वर्टिकल रोप में आप लोग को, ठीक है, हैंड एंड फीट से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग करवाया जाएगा फिजिकल के अंदर में। अब देखो मेरे भाई 10वीं पे भर्ती है तो इसका सिलेबस क्या होगा वो आप लोग जान लो। तो इसके अंदर आप लोगों सिलेबस मेरे भाई आप लोग अगर रीजनिंग की बात करते तो 50 नंबर के पूछा जाएगा, मैथ 25 नंबर के पूछे जाएंगे, इंग्लिश 25 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस 50 नंबर के। टोटल जो मेरे भाई होंगे 150 नंबर के आप लोग का पेपर होने वाला है। पर क्वेश्चन सही करते हो आप लोग को एक एक नंबर मिलेगा, और टोटल 150 नंबर के आप लोग के एग्ज़ाम भी होंगे। इसके लिए 2 घंटा आप लोग को दिया जाएगा मेरे भाई टाइम, लेकिन जो हैंडीकैप्ड बंदे हैं फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उनको मेरे भाई 20 मिनट क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है, ये हैंडीकैप्ड वालों के लिए। बाकी आप लोग को 2 घंटा ही आप लोग को देखने को मिलता है इसके अंदर टाइम। तो ये हो गया मेरे भाई टाइम के बारे में। अब हम बात करते हैं मेरे भाई ये चीज आप लोगों को जान लें, इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या चाहिए। 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में अगर आप लोग का एज है तो इजीली इस फॉर्म को आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को मैं अपनी जानकारी आप लोग को दे दिया हूं। अब मैं बात करता हूं कि इसका फॉर्म जो है कब से फिलअप होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसका फॉर्म जो स्टार्ट होगा ऑनलाइन होगा मेरे भाई, ठीक है, और ये जो होगा मेरे भाई सितंबर में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसका फॉर्म, ठीक है, और इसका सितंबर से फॉर्म फिलअप होगा, वही लास्ट अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। ये जो अभी मैं आपको डेट बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड डेट है, ऑफिशियली अभी कुछ अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन ऑफिशियली भी सितंबर में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। दिसंबर में आप लोग का मेरे भाई एडमिट कार्ड आएगा, और एग्ज़ाम डेट भी आप लोग का दिसंबर में ही होने वाला है, इसी साल एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है, और इसमें सैलरी की बात करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी 19,900 से लेकर 69,100 तक आप लोग का सैलरी इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो सैलरी भी अच्छा खासा है। AOC का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है ये आप लोग के मन में जरूर चल रहा होगा मेरे भाई, तो एक बार मैं आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसीजर बताता हूँ। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन, फिर फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर इस तरह से फिर ज्वाइनिंग लेटर। तो ये मेरे भाई क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो आप लोग क्या करना मेरे भाई, अच्छे से आप लोग को पढ़ाई करना पड़ेगा, मेन इसका एग्जाम निकालना है मेरे भाई, बहुत अच्छे खासे नंबर यहाँ पर आप लोगों को देख रहे होगे, ठीक है, तो आपको पढ़ाई करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी मैं इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग को दे दिया हूँ, अभी कुछ बचा नहीं है। अगर अभी भी कुछ इस भर्ती के बारे में डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप मतलब कि कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं आप लोग को यहां से आओगे तो यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। तो ये अप्लाई करने का लिंक जो है अभी एक्टिवेट नहीं किया गया, ये एक्टिवेट हो जाएगा मेरे भाई सितंबर में एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, जब भी अपडेट होगा मेरे वेबसाइट पर आप लोग को पता चल जाएगा। यहां से आकर आप लोग नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना हर अपडेट के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर लेना अगर नहीं ज्वाइन किया तो, और वेबसाइट पर विजिट कर लेना मेरे भाई, जैसे ही कुछ भी होता है तो इसके रिगार्डिंग आप लोग को मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है, गूगल पर सर्च करना है www.sgstudy.in, यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा हमारे वेबसाइट में मेरे भाई। यहाँ पे आप लोगों को सारे एग्जाम के नोट्स आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, बुक मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा मेरे भाई आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है, और
ये सब कुछ की आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा। उसके अलावा एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सिलेबस, सब कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, और इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आस्क करना, इस वीडियो को शेयर करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।